Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. नमस्कार, मैं अनिल भार्गव, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, स्कूल्ड इन दिल्ली एज वेल, कॉलेज्ड इन दिल्ली, एंड अभी तक करियर के बारिंग 2 ईयर्स मैंने नौकरी दिल्ली में ही की है। और जब भी मेरी पोस्टिंग होती थी दिल्ली से बाहर, तो मैं नौकरी चेंज कर लेता था। तो अब मैं थापर ग्रुप में ग्रुप डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स हूँ, और एक ट्रेडिंग आउटफिट भी हम देखते हैं जिसमें हम कैनेडियन कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरा अभी तक की जर्नी रही है। मेरे फादर का नाम लेफ्टिनेंट कर्नल योगराज भार्गव है, और मेरी मदर का नाम रुक्मणी भार्गव। मेरे फादर आर्मी में थे, वो लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुए, अब वो नहीं हैं, उनकी डेथ हो गई। हमारी मदर हमारे साथ ही रहती हैं यहाँ पे। मेरी मदर 89 इयर्स ओल्ड हैं। मेरा एक बड़ी सिस्टर है, 3 साल बड़ी है मेरे से, वो भोपाल में रहती है। और मेरा छोटा ब्रदर अपनी वाइफ के साथ मिडिल क्लास में रहता है, वो मेरे से 3 साल छोटा है। मेरी वाइफ का नाम वंदना है, वो जयपुर से हैं, एंड 1975 में हमारी शादी हुई। आई वॉज़ वेरी यंग, जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड एंड शी वॉज 21 ईयर्स ओल्ड। मेरी वाइफ सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एंड शी इज़ अ डिज़ाइनर ऑफ ड्रेसेस, फैब्रिक्स, एज वेल एज इंटीरियर डिज़ाइनिंग ऑफ होम्स। एंड हमारे 2 लड़के हैं, बड़े का नाम वरुण है, छोटे का नाम मोहित है। बोथ ऑफ देम लेफ्ट इंडिया आफ्टर स्कूल, आफ्टर देयर ग्रेड 12 ऑफ स्कूल, and they studied and settled in Australia, in Melbourne, Australia. बड़े वाला फाइनेंस का पोस्ट ग्रेजुएट है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में, बट वो अपना काम करता है, वो रेस्टोरेंट चलाता है। उसके वहाँ 2 लोकल पार्टनर्स हैं, एंड दे हैव अ 250-seater इटालियन रेस्टोरेंट, एंड ही इज़ ऑल्सो टर्न इन टू अ शेफ बाई सेल्फ ट्रेनिंग। छोटे वाला इज़ इन टू मार्केटिंग एंड सेल्स, ही इज़ नाउ वर्किंग फॉर ए हॉलीडे पार्क्स कंपनी, सो ही इज़ प्रमोटिंग हॉलीडेज इन ऑस्ट्रेलिया। जस्ट बिफोर दैट ही वॉज विद विलेज रोड शोज़, जो यहाँ का PVR है, उसका VR जो ओरिजिनल पेरेंट कंपनी है वो VR ऑस्ट्रेलिया है। सो ही वॉज जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर देम। नाउ ही इज़ 3-4 months before he shifted to this big 4 parks. Father army में थे, तो उनसे तो discipline मिला। father की posting बाहर रहती थी, हमने schooling सारी दिल्ली में की, तो हम mother के साथ रहते थे grandfather के घर में, तो वो एक अलग discipline मिला कि early in life public dealing करनी है, bank जाना है, ये सब संभाल के करना है। तो वो सब जो values of life हैं वो इनकलकेट हुई कि टाइम से आना है, टाइम से जाना है, अगर लेट हो रहे हैं तो पहले घर पे खबर करनी है, अगर खाना नहीं खाना है तो एडवांस में बताना है, नहीं तो डांट पड़ती थी। मेरी मदर प्योर हाउसवाइफ थी, और उनसे हमें काफ़ी सेल्फ डिपेंडेंस की सीख मिली, क्योंकि वो हम बच्चों को अकेले ले जाती थी जहाँ फादर की पोस्टिंग होती थी, तो ट्रेन में ले जाना, बुकिंग करानी, ये सब करना। तो वो जो एक इंडिपेंडेंस थी
वो काफी हेल्पफुल रही अर्ली इन लाइफ। अनिल देखो जी, बच्चे तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत ही मतलब ये नहीं था कि शैतान हो, उद्दंड हो और कहना नहीं सुने माँ बाप का, इस मामले में कुछ नहीं था। सब हमारे बच्चे बहुत ही आज्ञाकारी थे और अभी भी, इतने बड़े होने के पश्चात भी अगर मैं कुछ कहूँ तो वो काम होगा। दिल्ली से स्कूलिंग की, 11वीं अब हुआ करती थी, 11वीं पास करके एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया NDA मरीन इंजीनियरिंग और IIT का, तीनों जगह से कॉल आई तो मैंने IIT ज्वाइन कर लिया। IIT दिल्ली से पढ़ाई की और 73 में ग्रेजुएशन की और सीधा नौकरी पे लग गए। एक कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो, उसमें उनके दिल्ली ऑफिस में, सेल्स ऑफिस में लगे और फिर सिलसिला चलता रहा। जॉब चेंज करी एंड बाद में फिर एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मनीला का एक टॉप मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है, वो बाली में होता है, तो वहाँ हमारी कंपनी ने हमको स्पॉन्सर किया तो वो करा। एंड मैं पिछले 20 साल से थापर ग्रुप में ही हूँ। सबसे बड़ा योगदान इन माय बीइंग, जो कि मैं आज हूँ एज अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव, वो मेरे फर्स्ट बॉस थे मिस्टर एन शंकर। उन्होंने मेरी ट्रेनिंग, बिना ये करते हुए कि मैं ट्रेन कर रहा हूँ, उन्होंने जो सपोर्ट दिया इन टर्म्स ऑफ माय एबिलिटी टू अटेंड टू दी मार्केट मायसेल्फ, क्योंकि मैं जब मार्केटिंग एंड सेल्स कह रहा हूँ तो इंजीनियरिंग गुड्स की सेलिंग जो होती है वो पर्सनल टू पर्सनल, B2B सेलिंग होती है, इट्स वेरी पर्सनलाइज सेलिंग विच इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स। सो शुरू में ही एज ए पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग वो दफ्तर में ज़्यादा, शुरू के 6 महीने वो मुझे सब जगह ले गए, सब कस्टमर से मिलाया और फिर मुझे कहा कि अब आप खुद अटेंड करो। एंड शुरू में तो लगता था कि ये अखबार पढ़ते हैं, मैं बाज़ार जाता हूँ मार्केट में मतलब, बट दैट वॉज दी ट्रेनिंग, यू नो ही टू टेल मी कि यू आर अ सेल्स पर्सन, तुम्हारा दफ्तर में बैठने का काम नहीं है, कस्टमर के पास होना चाहिए, ताकि जब आज प्रोजेक्ट नहीं है तुम कस्टमर के पास हो, जल कल प्रोजेक्ट होगा तो कस्टमर तुम्हारे पास आएगा। तो दैट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग एंड वो बड़े काम में आई इन माई फर्दर असाइनमेंट्स। लेकिन सबसे बड़ा जो सपोर्ट सिस्टम मेरे लाइफ में, जब मैंने चेंज की जॉब, थापर ग्रुप में आया, वहाँ पे मिस्टर गौतम थापर ने मुझे इनक्रेज किया कि आई शुड हैंडल अ होल बिजनेस इंस्टेड ऑफ बीइंग अ गुड सेल्समैन। तो उन्होंने मेरे छोटा बिजनेस दिया लेदर का और वो फिर मैंने, जैसे जैसे हम बढ़े उस बिजनेस के साथ, तो दिस एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 20 years हैज़ बीन ऑल्सो वेरी पॉजिटिव इन कंट्रीब्यूटिंग माई डेवलपमेंट एज माई होलिस्टिक पर्सनैलिटी। वर्क लाइफ में कई सारे ऐसे चैलेंज आए जो कि बिजनेस रिलेटेड थे, जैसे कस्टम्स का मैटर था, उसको कैसे प्रेजेंट करें ताकि जो पेनल्टी लग रही थी वो पे वो वेव हो, नॉट बाय वे ऑफ एनी रॉन्ग प्रेजेंटेशन बट विद इन द फ्रेमवर्क कैसे प्रेजेंट करना है, तो किससे मदद लेनी है, किससे एडवाइस लेनी है, कैसे स्टडी करना है, वकील को क्या ब्रीफिंग देनी है, तो ये सब जो है ये एक अपना ही एटीट्यूड से कि भाई ये इसको सीख के करना है। मेरा जो बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट था, मैं सोचता था मैं हर एक चीज़ बेच सकता हूँ और मैं बड़ा खुश था, आई वॉज हैप्पी सेलिंग। एंड मेरे को श्री गौतम थापड़ ने मेरे को चेंज कर दिया,
उन्होंने मुझे एक्चुअली बिजनेसमैन बना दिया, बट नॉट ए ओन बिजनेसमैन बट अ पेड बिजनेसमैन। सो वो जो हम कहते हैं ना, एंटरप्रेन्योर तो बिजनेसमैन होता है, इंट्राप्रेन्योर इज अ पेड बिजनेसमैन कॉन्सेप्ट। सो ही मेड मी एन इंट्राप्रेन्योर, कि मैं जो भी काम करता था अपना समझ के चलाता हूँ, लेकिन पैसा मेरा नहीं लगा हुआ, पैसा उनका है। सो मैं उसको भी संभालना है और बिजनेस को भी संभालना है और इंडिपेंडेंटली रन करना है। तो दैट हैज़ बीन द टर्निंग पॉइंट सिंस द लास्ट 20 ईयर्स। मैं एक एंटरप्रेन्योर बन गया हूँ, एंटरप्रेन्योर तो नहीं बट एंटरप्रेन्योर। हार्डवर्क, हार्डवर्क एंड हार्डवर्क। अब हार्डवर्क का ये मतलब नहीं है कि दिन में 24 घंटे काम करो, हो सकता है 2 घंटे में भी काम पूरा हो सकता है, और हो सकता है कि 15 घंटे भी लगें तो सॉल्व नहीं हो प्रॉब्लम। 7 बजे उठते हैं सुबह, इससे पहले तो नहीं उठते हैं, कभी कभी 6:30 होता है, बट 7 बजे इज दी नॉर्मल रूटीन। 8 और 8:15 के बीच में मैं घर से निकल जाता हूँ और क्लब जाता हूँ, वहाँ पे 1 घंटे के करीब स्विमिंग करता हूँ। अब मौसम जो है अच्छा हो रहा है, तो मॉर्निंग में ऊपर अखबार, मतलब चाय पिए, अखबार पढ़ें, फिर डे का रूटीन शुरू करें। शाम को अगर जल्दी आ जाएं तो ऊपर बैठें, छत पे चाय पिए। लेटर ऑन वी लाइक टू एंटरटेन ऑन द टेरेस बिकॉज द वेदर इज़ वेरी कंड्यूसिव टू ओपन एयर मीटिंग नाउ। सो वो ज़रूर हम इंजॉय करते हैं। The terrace has been maintained very well by my wife, so वो अच्छा लगता है ऊपर बैठना। घूमने का शौक जो है मुझे तो थोड़ा था, but it has been strengthened by my wife, and हम साल में 2-3 trips जो हैं, एक ऑस्ट्रेलिया की तो trip हो ही जाती है, बच्चे वहाँ पे हैं। हम इंडिया में तो इतना नहीं घूमे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, ऑफ कोर्स डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, काम के दौरान भी और वैसे भी फॉर हॉलीडे टूरिज्म काफ़ी देखा है, काफ़ी घूमे हैं। एंड आई थिंक ये सिलसिला तो चलता रहेगा जब तक चल सकेंगे। हॉबीज़, सबसे बड़ी हॉबी तो सोशलाइजिंग, मीटिंग पीपल, इंटरफेसिंग विद न्यू पीपल, बड़ी हॉबी तो नेटवर्किंग है। दूसरा कि मैं रोज़ सुबह अपना 1 घंटा निकालने की हमेशा चेष्टा करता हूँ, कि मैं दिल्ली में रहूँ तो स्विमिंग करता हूँ, और दिल्ली में नहीं है तो वॉक करने की चेष्टा करता हूँ। फिल्मों का शौक़ ऐसे नहीं है कि फिल्म देखनी देखनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म देखने के लिए ना एक बड़ा चैलेंज है। टिकट खरीदो, चलो वो तो आजकल आसान हो गया है, फ़ोन पे से ऐप में जाओ, टिकट ले लो, फिर जाओ गाड़ी पार्क करो, अंदर जाओ। तो वो हम इतना, मैं पर्सनली भी नहीं बिलीव करता और माई वाइफ सपोर्ट्स मी इन दैट, क्योंकि वो पहले वो खुद ज़्यादा फिल्म देखती थी। परंतु आजकल जो ये जो दूसरा मीडिया का प्लेटफॉर्म आ गया है, अमेज़ॉन आ गया है, नेटफ्लिक्स आ गया है, तो ये अच्छे है, अपने घर की कन्फाइंस में, प्राइवेसी में आप अच्छी फिल्म्स देख सकते हैं। आई एंजॉय द म्यूज़िक बट आई डू नॉट रिमेंबर एनीथिंग, आई डोंट स्पेंड माय माइंड इन नोइंग द वर्ड्स ऑफ द म्यूज़िक। बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, बट एज एन एक्टर अमिताभ बच्चन इज़ अबाउट द बेस्ट, आई वुड से। सबसे अच्छी फिल्म तो आई वुड से ये जो हमारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन के ऊपर थी और इंजीनियर्स पे थी, कि भाई लाइफ में आप इंजीनियरिंग पढ़ते हो लेकिन क्या करते हो। 3 Idiots आई थिंक वॉज अ वेरी वेल मेड, वेल एक्टेड, वेल डायरेक्टेड मूवी।
मैं रियल टर्म्स में इतना धार्मिक नहीं हूँ इन टर्म्स ऑफ कि भाई रोज़ मंदिर जाना है, मंगलवार को ये करना है, और वो उस परिभाषा में मैं नहीं आता हूँ। लेकिन एक बिलीफ जो है इन टर्म्स ऑफ कि एक सुपर नेचुरल है, वो बिलीफ ज़रूर जहन में रहती है। मैं रोटरी में था, बट रोटरी में इतना अटेंडेंस नहीं दे पाया तो हमने रोटरी छोड़ दी। एंड उसका एक राउंड टेबल का जो 40 के बाद एक 41ers क्लब है, वो भी इंटरनेशनल क्लब है, तो उसमें भी हम कम्युनिटी सर्विस करते हैं। जैसे कि गुड़गांव में एक प्रोजेक्ट है, उसमें वो अबैंडेंड लोगों को, डेस्टिट्यूट लोगों को रखते हैं, तो उनको जो सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, वो हम मैनेज करते हैं, उन संस्था अपनी संस्था से अरेंज कराते हैं। देखिए ऐसा है कि मैं 68 साल का हो गया हूँ, आई एम 68 ईयर्स ओल्ड, और आई हैव नो प्लान्स फॉर हैंगिंग माय बूट्स। अगले 8-10 साल तो एक्टिवली काम भी करना है, दिमाग का भी काम करना है, और जितना फिजिकल हो सकेगा। मैं नहीं समझता कि मैं कभी इन दी ट्रू सेंस रिटायर हो जाऊंगा कि सुबह उठे कहीं जाना नहीं है, वो मेरे से नहीं हो पाएगा। मेरे जीवन में सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी वाइफ का है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक दो साल के जो टफ पीरियड आया था और जिसमें ऐसा लगता था कि भाई बैक टू जॉब कैसे जाएंगे, क्योंकि अपने काम करने की चेष्टा की, इसकी करी, तो शी वॉज अ बिग सपोर्ट, शी स्टिल कंटिन्यूज टू बी अ बिग सपोर्ट। कई बार जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें, क्योंकि इनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग है एज ए बिजनेस पर्सन, एज ए सोशल पर्सन, सो वो थिंकिंग भी काम में आती है कि भाई आप ये रास्ते पे ठीक नहीं डिसीजन ले रहे हो, इसको ऐसे करो। तो द बिगेस्ट सपोर्ट इन माय लाइफ हैज़ बीन माय वाइफ। मिस्टर मोदी एंड मिस्टर अरुण जेटली, मोदी साहब के साथ मैंने व्यक्तिगत तौर पे जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, मैंने काफ़ी काम किया है, क्योंकि हमारा वहाँ बिजनेस इंटरेस्ट था ग्रुप का, तो उनके साथ हमारी इंटरेक्शन थी। वो वेरी प्रैक्टिकल पर्सन एज चीफ मिनिस्टर। अब जो है अगर कभी मुलाकात होती है तो वो पहचानते तो हैं, लेकिन ऐसे काम के दौरान अब मुलाकात नहीं होती है, बिकॉज उनकी व्यस्तता हमसे बहुत ज़्यादा है, जो उनके कंधों पे भार है वो बहुत ज़्यादा है। बट एज ए पर्सन ही इज़ वेरी शार्प, ही डज नॉट फॉरगेट पीपल, ही डज नॉट फॉरगेट इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट ही मेट यू एंड व्हाट बिजनेस ही डिड विद यू। एंड मिस्टर अरुण जेटली इज़ द यंगेस्ट पॉलिटिशियन वी लॉस्ट, वी नो ईच अदर फ्रॉम चाइल्डहुड। देश की युवा पीढ़ी, एज आई सेड बिफोर, देर इज नो ऑप्शन और नो शाइंग अवे फ्रॉम हार्ड वर्क, बट आज की स्थिति में हार्ड वर्क की जगह इट शुड बी स्मार्ट वर्क। सो नॉट ओनली यू शुड वर्क हार्ड, बट यू शुड वर्क स्मार्ट, क्योंकि आजकल टूल्स इतने सारे आपके साथ हैं कि यू कैन वर्क नॉट ओनली स्मार्ट बाय वे ऑफ प्लानिंग, बट यू शुड वर्क स्मार्ट बाय वे ऑफ अटेंडिंग टू द डिफरेंट चैलेंजेस इन लाइफ। चैलेंजेस जरूर आएंगे लाइफ में, तो उनसे भागना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए, और सक्सेस मे नॉट बी ऑलवेज देयर, बट हार्ड वर्क विल पे। देश की जनता को देश के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में नहीं। अगर हम सब लोग इंडिविजुअली देश के बारे में सोचने लग जाएं तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व हो सकती हैं।
Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel